नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सुधारवादी सोच, इसी सोच से लोगों में पैदा हो सकती है सरकार के प्रति सकारात्मक सोच। जी हाँ, अनिल विज और चौधरी रणजीत सिंह की कार्य प्रणाली से सुधरेगी प्रशासनिक व्यवस्था। हरियाणा में मंत्रिमंडल का गठन होते ही कुछ मंत्रियों ने जता दिया कि वे कागजी मंत्री नहीं है, क्योंकि वे धरातल पर बदलाव लाना चाहते हैं और प्रशासनिक सुधार के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने रुख में कोई नरमी नहीं लाएंगे। जी हाँ, एक पुलिस विभाग में सक्रिय है तो दूसरा बिजली विभाग में, और यही दोनों विभाग है जिनसे जनता परेशान रहती है। आपको बता दें कि अगर इन दोनों विभागों में सुधार संभव हुआ तो अन्य विभाग भी अपने आप सुधर जाएंगे। इन दोनों विभागों से ही जनता सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है और दोनों से ही पीड़ित है। मंत्रियों की ऐसी ही सुधारवादी सोच लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच पैदा कर सकती है, वरना तो सरकारों पर लोगों का ज़्यादातर भरोसा उठने लगा है। भाजपा ने JJP के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई तो उस समय लगा कि भाजपा को कई मामलों में समझौता करना होगा, परंतु मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों के तेवरों ने बता दिया कि वे अपने अपने विभाग को लेकर के पूरी तरह से गंभीर हैं और वे सुधार करना चाहते हैं, ताकि लोग ही नहीं इतिहास भी उन्हें याद रखें। अनिल विज की कार्यप्रणाली से तो वैसे ही लोग वाकिफ हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का इलाज उन्होंने इस तरह से किया कि स्टाफ समय पर आने लगा, मरीजों को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधा भी मिलने लगी। सरकार कर्मचारी इतने खौफजुदा हुए कि उन्हें गब्बर सिंह कहने लगे। इतना ही नहीं, स्वयं अनिल विज भी अपने आप को गब्बर बताना शुरू कर दिया। प्रदेश में गब्बर सिंह की इतनी दहशत हुई कि उनके आने की खबर से अस्पताल छकाचक हो जाते थे। सफाई से लेकर के दवाइयों की व्यवस्था अपने आप हो जाती थी और स्टाफ तथा डॉक्टर के पास कई कई चक्कर लगा कर आता था। इस बार अनिल विज के पास गृह मंत्रालय, जो सबसे अहम मंत्रालय है, इसकी जिम्मेदारी अनिल विज के पास है, जिस पर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था निर्भर करती है। जो विभाग स्वयं नहीं सुधरा उसे लोगों को सुधारने का जिम्मा मिला। अब ऐसे विभाग को सुधारने का बीड़ा अनिल विज ने उठाया है। मंत्री बनते ही पानीपत थाना में जाकर के महिला ASI जिसको निलंबित कर पानीपत की लड़ाई को याद करवा दिया। उन्होंने बताया कि लापरवाही किसी भी सूरत में सहने की जाएगी। सबसे पहले अनिल विज ने पुलिस की समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई और कुछ आंखों देखी कहानी याद करते हुए पहले सुविधाएं देने की बात कही, उसके बाद सुधार पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को पहले हर प्रकार के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसके साथ ही पुलिस कल्याण की ओर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर प्रकार के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके साथ ही पुलिस कल्याण की ओर ध्यान दिया जाएगा। VVIP ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिकों के लिए खाने का प्रबंध किया जाता है, परंतु पुलिस के लिए जो मानवीय आधार पर गलत है, क्योंकि ये पुलिस के लिए नहीं था। उन्होंने घोषणा की है कि अब वे VIP ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मचारियों के लिए भी खाने का प्रबंध किया जाएगा। जब पुलिस को सारी सुविधा दी जाएगी तो उनसे काम की अपेक्षा भी की जाएगी। अगर फिर भी कोई लापरवाही करे तो उस पर कार्रवाई जरूरी है। ऐसा ही संदेश विज ने पुलिस विभाग को भी दिया। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा संकट नशे का है। प्रदेश में छवि खराब हो रही है। पुलिस पर लगाम कसकर इस नशे पर काबू पाया जा सकता है। विज ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए प्राथमिकता दी है। पुलिस विभाग में ड्यूटी पर अधिक जोर होता है। पुलिस कर्मी की परेशानी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। VIP को 12 बजे आना होता है तो DGP उसे 11 बजे बताता है, IG उसे 10, SP 9 और DSP 8 और SHO 7 बजे बता करके पुलिस कर्मी को 7 बजे ही ड्यूटी पर भेज देता है। जब तक VIP आता है तब तक पुलिस कर्मी खड़े खड़े थक कर चूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो ऐसी ड्यूटी पर लगा पुलिसकर्मी ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाएगा और न ही आरोपी का दूर दूर तक पीछा कर पाएगा। सरकार चाहती है कि हमारी पुलिस स्कॉटलैंड पुलिस की भांति कार्य करे, पर वह न तो ड्यूटी और न ही सुविधा का ध्यान देती है। प्रदेश में सबसे दूसरा अहम विभाग है बिजली वाला।
जिसका जिम्मा चौधरी रणजीत सिंह के पास सौंपा गया है। रणजीत सिंह पहले ही काफ़ी अनुभवी हैं और उन्हें अधिकारियों से कामकाज लेना भी आता है। वे गांव की हर समस्या से वाकिफ हैं। उन्होंने एक एक समस्या को देखा और परखा है। मंत्रालय की कमान हाथ में आते ही उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर ढीली तारें कसी जाएं, टेढ़े मेढ़े खंभों को ठीक किया जाए, वहीं घरों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन हटा दी जाए। उन्होंने ग्रामीणों क्षेत्रों में ढीली और मकानों के ऊपर गुजरने वाली तारों को हादसों को देखा है। वे चाहते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हादसा कभी न हो। उन्हें पता है कि तेज गति से चल रहे बिजली के मीटरों के कारण आम आदमी को क्या परेशानी होती है। अमीर आदमी झटका सहन कर जाता है, परंतु गरीब आदमी के लिए मुसीबत पैदा हो जाती है। ऐसे में उन्होंने तेज गति से चलने वाले मीटर हटाने के आदेश दिए हैं। वे खेतों तक जाने वाली बिजली की आपूर्ति का समय 8 बजे से यानी 8 घंटे से बढ़ा करके 10 घंटे कर दिया गया है। इसलिए चौधरी रणजीत सिंह सबसे पहले आम आदमी के बारे में सोच कर चल रहे हैं। वे आम आदमी के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि दोनों ही मंत्री सुधारवादी सोच के धनी हैं। वहीं रणजीत सिंह पहले ही कह चुके हैं कि बिजली मुफ्त देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए धन भी चाहिए। अगर धन की कमी होगी तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव से पहले बिजली बिल माफ करने की योजना लागू की थी, जिसका उपभोक्ता को भरपूर लाभ मिला था। साथ ही सरकार को राजस्व मिला, निगम की बकाया राशि की वसूली भी हुई। इस योजना के तहत सरकार के बिजली का मूलधन राशि वसूल भी की और सभी प्रकार के चार्ज और ब्याज माफ कर दिए थे। प्रदेश के अधिकतर जिलों में निगम की अरबों रुपए की राशि उपभोक्ताओं की बकाया जो आज भी है। सिरसा जिला के लोग बिल जमा करवाने में प्रदेश में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, वहीं दूसरे जिलों में राशि जमा नहीं करवाई जाती। बिजली बिल जमा करवाने वालों के कारण दूसरे जिले में उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती, क्योंकि निगम के पास राशि नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या मंत्री जी बिजली माफ़ी योजना को फिर से लागू कर उपभोक्ताओं को लाभ देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उपभोक्ता के साथ साथ सरकार को भी लाभ होगा। अब देखें पर्पल की ये विशेष रिपोर्ट।